प्रेमी सजनों, आपने घनी तरह ही कैसेट सुनी होंगी, रागनी, भजन, शब्द और हंसी मखोल की। हरियाणा का आदमी तो मखोलिया हो इसे, पर मखोल भी ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा हो और पूरे घर परिवार के आदमी बैठ के आराम से सुन सके। आज हम भी कई जने इकट्ठे होके कुछ लटके झटके सुनाने की कोशिश करांगे और मारे इन लटके झटकिया में भाग ले रहे हरियाणा के जाने माने लेखक, गायक और मखोलिया पंडित किशन चंद शर्मा, बेताज सुरों के बादशाह भाई गुलाब सिंह खांडवाल और जानी मानी फिल्मी और रंगमंच की हस्ती श्री जगबीर राठी, साथ में से उभरते हुए कलाकार श्री गजेंद्र फोगाट और वीनू सांगवान। और मैं भी बीच में मौका लगेगा जब अपनी बात कह दूंगा, यानी कि आपका अपना रेडियो का किशन भाई रामफल चहल। तो करा शुरू आज की लटके झटके की महफिल। लो जी चेहल साहब, उन्होंने तो दाब दिया बटन है और नू कह रहा हूं भाई, सबसे पहला जो काम कर रहे हैं तो अपना बड़ा बडेरा जो मुखिया आदमी हो उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो आप हांडी अपने पंडित जी किशन चंद शर्मा जी सिर पर धरते हैं। लो जी पंडित जी, आप शुरू करो फिर। ले तो भाई मारे भरना भाई थाम दी तो सुन लियो अपनी भी राय कदा उकारा तो भर लिया करा ठीक। हां भरा क्यों नहीं भरा, उकारे भरना बैठे हां। बात सुन ले भाई, मारे पड़ोस में एक घरा बालक होतू था। अच्छा हाँ, तब भाई वह घराली उसने कहने लगी, आगे कहते मारा छोरा होगा। ओ था तेरे कैसा मजा क्या कहने लगा छोरा होगा, तेरे दो टेलीफोन आ गया छोरे का। अच्छा बोले टेलीफोन तो कोने पर आ लिया, मैं तो बताऊंगा सू। तो बोले एक बात है, जय छोरा हो गया तेरी ये बात सची ला रे, तो छोरे ना मेरा था यो संग मैं बढ़ाऊंगा डॉक्टर। अच्छा। वाने वाली डॉक्टर कति नहीं बढ़ी, छोरे ना बढ़ाऊंगी वकील। अच्छा दोनों की इज्जत है, वो का डॉक्टर बढ़ाऊंगा वहां का मैं वकील बढ़ाऊंगी। वो नहीं बोला रहे डॉक्टर बढ़ावा के बीमारी बहुत सा पीछे कमाओगा, और वानी बोली वकील बढ़ेगा छोरा मुकदमे रोज हो जब पीछे अच्छी मिल रही। ठीक बात है, पर दोनों का रोड़ा पड़ गया। रात का मामला था, पड़ोसी जागे जागने थे, एक आया नि बोला रहो भाई क्यों रोड़ा कर रही, पढ़न दो किसने रोड़ा केस थारा। अच्छा वो था बड़ा सा मानस मेरे डाले। अच्छा। कहने लगे काका रोड़ा तो कुछ मेरा से घनी बात मामूली से, या न्यू कैसा छोरे ना बनावांगे वकील। अच्छा। और मैं न्यू कुछ डॉक्टर बनावांगे। अच्छा। अरे जब मेरा मेरा यह को लड़ाई की बात है तब मुझ छोरे ना बना के पूछ लो ने ये बनेगा। बोला काका छोरा हो क्यों भाई, ठीक ऐसे रोड़े पड़े देखे से। पंडित जी एक बै न्यू बनी भाई राठी जी। पंडित जी है महकमे में डीपीआर वाला में। हाँ। एक बै एक ले पहुंच गए गांव में। अच्छा प्रोग्राम था भाई, रात में ड्रामा ड्रुमा दिखावांगे। अच्छा, भजन अच्छा। रागनी सुनावांगे। पंडित जी तो पहुंच गए। इतनी देर में किसी मंत्री का टेलीफोन आ गया डीपीआर धोरे। अच्छा वो कहने लगा भाई मेरा प्रोग्राम से टीम भेजो। अच्छा बाकी की टीम गई नहीं। पंडित जी ने ना तो हुआ उसके तार जोड़ने आओ, माइक के ना हुआ बैटरी चालू है। अच्छा सोच साच के तकत लगवा लिए, गांव इकट्ठा हो गया, सारा माल मोकड़ा सौदा इकट्ठा हो रहा है। देश कट्ठा जुड़ रहा। पंडित जी ने सोची ले भाई भाजेगा तो गांव वाले पीटेंगे। अच्छा बोला भाई इतना जमाओ जुमोर है, मैं इतना रोटी राटी खाया हूँ। अच्छा रोटी खा के भी आ लिया, टीम की बाट देख के टीम ने क्या आना था, टीम गाड़ी की टीम मंत्री द्वारा जाली। तो जी इतना में पंडित जी ने सोच साच के ने सोचा अब किसे डाल पेंडा नहीं छूटा। बोला भाई गांव के कोई कलाकार हो, गावणिया हो, बजावणिया हो। अच्छा। कोई नहीं उठ के आया। अच्छा। इतनी देर में पंडित जी ने फिर दूसरा दाखिल लिया। हाँ। बोला रे भाई न्यू सुनो रहा, कोई अपनी बात कहना चाहता हूँ आने के पहले कह लो। ठीक है। तो भाई गुलाब गांव के तीन छकमा शराबी रंडे आए टूल दे, आज मौका मिला ले गांव के सामने अपनी बात। पहला खड़ा होया, हाथ जोड़ के नहीं बोला भाई साची बताऊ मेरा तो ईसा जी करे से जनो काचे धोती कुर्ते पहर के ने। अच्छा और भाई घोड़ी पे चढ़ के ने। अच्छा अब मेरी घुड़चढ़ी करवा दे। दूसरा बोला भाई रे मेरा इस्ते भी आगे जी करे से। बोला वो क्यों कर। बोला भाई घुड़चढ़ी तो हुआ है और सुधा घोड़ी में नथु घर जा। अच्छा तीसरा बोला भाई मेरा जी तो न्यू करे से भाई मोड़ माड़ बांध के ने घुड़चढ़ी करवा के ने और रेल के नीचे कट जा। बोला रे रेल के नीचे। अच्छा। रेल के नीचे क्यों कट जा। बोला मन मोड़ सुधा कटे देख के न गांव की लुगाई न्यू कहेंगी देखे बंदड़ा कटिया पड़ा था।
लो जी ठीक सुनाई। हाँ जी गुलाब सिंह जी आप भी फेंको के में फेंका के कृष्ण भाई ने अभी बताया हमारे नहीं तो मेरे भी एक याद आ गया वो आजकल ईसा जो रहा चल रहा है जिसने देखा वो शहर के ना भाज रहा है। हाँ ठीक बात। गांव के घराना छोड़ गया, गांव के भाईचारे ने छोड़ गया, शहर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, या तो माड़ी समस्या हो रही है। माड़ी समस्या हो रही है। वो एक कोठी बना ली शहर में। अच्छा। और कोठी भी बढ़िया दाऊ पीछा लाकर बना ली। और जब उसका मुहूर्त कराया रिश्तेदार यारे प्यारे जितने भी थे भाईचारा सब इकट्ठा कर गया, सारा देश इकट्ठा हो गया, लाडू बना रखे। और वो जब मानस आ लिए सब यारे प्यारे आ लिए। अच्छा। जब वो कोठी आला सकुर दे कोठी दिखान तांडे, देखो भाई यो बेडरूम है, यो वेटिंग रूम है, ये लेटरिन बाथरूम है, और भाई यो वो डार्क रूम है। अच्छा। सारे कोठी का मुआना करे, सब रिश्तेदार नू कहे भाई पीछे खुबला रखे चौधरी साहब कमाल कर दिया। अच्छा। और एक मेरे के है नया बेटी उधा बोला बड़ा हा, बोला जी कोठी तो ठीक बना ली पर गेट बहुत भीड़ा छोड़ दिया। बोला क्यूँ? बोला ईसा जी कल कोई मर गया था इसमें करती तो ना लिखड़े। बात जब सुनी उसका बड़ा छो उठा। अच्छा। पर नया बटे उदा कहीं भी कह सके था। ठीक बात है। दो एक महीने पर चिट्ठी गिर गए और उस बटे का बाबू बुला लिया। अच्छा। और वो बाबू आने का कहने लगा भाई साहब चिट्ठी गई थी के बात क्यों बुलाया था? बोला जी बुलाए के थे जब वो मुहूर्त कराया जब सब यारे प्यारे इकट्ठे हो रहे थे आपड़ा लड़का भी आ रहा था। बोले हाँ भेजा था मनाया था। बोला जी आ के रहा था कोठी ने देख कर सब तेन कहने लगे बहुत बढ़िया कोठी बनाई और वो आपड़ा छोरा बड़ा गलत बोलिया। बोला के बोलिया? बोला जी ने बोला गेट बहुत भीड़ा ला लिया इसमें का कोई मर गया धरती ना लिख रहे। ठीक बात। बोला जी मारा छोरा था कति बेकूफ उसने नहीं बेरा कहेगा इतना चौड़ा गेट रहा दो दो अर्थी कट्ठी काट लो। गजेंद्र तू भी फेंक भाई के का है, तू भी बड़ा उकसा है के बात भाई जगबीरा ठीक फेंका के इब अपने रामफल जी सर ने बताया भाई तुम्हें तीन बंदड़े बंदड़े बनने की कोशिश कर रहे थे दारू वाले। दारू की बात याद आएगी एक बह एक ठेके वाले दोनों रात ने डेढ़ बजे फोन आया गहरे टाइम हो रहा और फोन आया भाई साहब ठेका कद खुलेगा? अच्छा। ने बोला यार तेरा दिमाग खराब हो रहा है ठेका कद खुलेगा? अच्छा। बोला रात के डेढ़ बज रही है सोन का टाइम है और तू न्यू कहने लगा ठेके सो जा। अच्छा। दर्द दिया फोन। अच्छा। एक सेकंड पास फिर आ लिया भाई साहब अरे ठेका कद खुलेगा भाई? अच्छा और नशे हो गया थोड़ा सरूर हो गया। बोला भाई सरूर में लागे ठेके वाला? बोला बोला भाई ऐसा है रात की इतने वक्त में ठेका नहीं खुलता सो जा। फिर दर्द दिया थोड़ी बार पास फिर आ गया भाई साहब अरे ठेका कद खुलेगा भाई? अच्छा। बोला भाई पहले तो सूर में था ई पी रहा पूरी दारू फिर दूरा दारू की कमी तो लग दी तू न्यू बता ठेका क्या दखल हुआ है? बोला भाई साहब अपन दारू दुरू को नहीं चंदी। बोला फिर बोला मैं तो थारे ठेके में रुक रहा हूँ। जब शराबियों की बात चल पड़ी तो भाई दो शराबी थे उन्हें खूब गाड़ दें थे लोग लद हम शराब पियो नाश कर दिया था हमने समाज का नाश कर दिया भैया तो बोले भाई कोई ऐसा काम करा अगर तू समाज में अपना नाम हो। अच्छा। और शराबिया की रेपुटेशन बने। दूसरा बोलिया भाई के काम करेगा ऐसा? बोला चलो हम अपनी आंखें दान करेंगे। अच्छा। शेर के बच्चे भाई अस्पताल में पहुंच गए उठ जाते बोला भाई डॉक्टर वो आंखें वाला फार्म लिया और लिख इस पे भैया हमें अपनी आंखें दान करते हैं। अच्छा। और बोला एक बात और लिखिए बोला हमने ये आंख दान करने का फैसला दारू के नशे में करा। क्या बात है। इससे भाई दारू की शराबियों की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो दूसरा साहब भी बोला भाई बोला मेरे फार्म पे एक बात और लिख दियो। अच्छा। बोला ये आँख जिसका चढ़ाओगे ने उन्हें नो बता दियो भाई एक बोतल पिए बिना ये आँख नहीं खुलिया करती। कदे को गरीब आदमी फंस जा काम करने। हाँ जी मैडम जी आप भी बोलो कि मैं फेरे। अब मैडम ना बोलेगी तो पंचायत हमार पंचायत माँ के बराबर का आजकल तो भी सरकार ना दे रहा क्या है तो कहूँ था भाई ना बात न्यू सा जगबीर वीर मर्द का झगड़ा तो जग जाहिर हो रहा से है वीर न्यू सोचे अके भगवान यो घर तले कटे जा तो थोड़ी शांति हो रही और मर्द न्यू सोचे अगर जया रांड उठे ले धरती पर तो कति शांति हो जाए। तो ईसा एक जोड़ा था। अच्छा। खूब लड़ाई माचती खूब माचती तो वह तो न्यू कह कर चुप रह जाती आ पढ़े तो लकड़ लो मेरा शांति हो जा। अब ठीक से वो न्यू करता ये अनुमान जतु की तस है तो देखे सवा का तो डाऊंगा प्रसाद तू इन लोगाई ने सांझ पहले ठा ले खुदा ना खासता एक बार जगबीरू राम ने उसकी सुने ली। अच्छा। वो लगाई मरगी। अच्छा। ओ हो मन में के लाडू फूटे के लाडू फूटे दो चार आंसू बवा कर बोला कोई ना ले चलो जी ले चलो
दाग तो देना है। इब गांव के भी बेचारे हो गए कट्ठे, बंदी बुंदी और थीरवा लटा दी उस पर चल पड़े। राम नाम सत है, राम नाम सत है। थोड़ी दूर चले तरह वो घर का आ गए, खम्बा पड़ गया। अच्छा, वो आर्थी गलती तो खम्बे तो टकराएगी। अच्छा, और तड़ा पड़गी। बड़े तेर वाला गई एकदम झटके तो उठी, जिंदा होगी, जिंदा होगी। अच्छा, तो भाई वो और अंतन्यू करा, चलो तेरा घर बस गया, घर बस गया। वो बोला रो जानू सू किसा बस गया, रहे तो नाश हो गया। पर कोई ना भाई, लोग खड़े से क्या कहेंगे, चल घर ने आगी। न्यू बोले देखा तू तो न्यू चाह था मुर्गी और फिर आएगी। न्यू बोला कोई ना, ईब का अनुमान फिर सुनेगा, डाई का तो डाऊंगा। वो आता फिर सुन ली उसकी अनुमान ने। अच्छा, फिर मुर्गी, फिर आगे गांव वाले, अरे या तो फिर मुर्गी। अग भाई के करा या तो मैटी संगवाणी से संगवाओ साइड साइड। फिर अर्थी सजा दी, फिर चाल पड़े, फिर वो लग गए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पाछ ऐसी जाकन है और वो एक दोरे बुला रहा खम्बे तो बच चुके, खम्बे खम्बे की चिंता थी कद पेड़ टकरा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात सुनाई, बहुत बढ़िया। एक मैं बताऊं पंडित जी के बनी है। एक आदमी की तीसरी लुगाई भी मर गई, तीसरी तीन ब्याह करा रखे थे। तो पूछने लगे, बोला भाई साहब आपकी पहली पत्नी कैसे मरी? बोला भाई जहरीला साग खाएगी थी। बोला दूसरी पत्नी कैसे मरी? बोला वाह भी जहरीला साग खाने से मरी। और बोला तीसरी पत्नी कैसे मरी? बोला भाई वाह मरी शर्मा थोड़ा लागण थे। बोला जी वाह क्यों करे? बोला जहरीले सब्जी खावे ना थी। भाई जब यो पैर आओ जकर हो रहा था ना, कह दे तीन जने का बोलने का मौके वाली बात है जो अपने सुनाई थी साहब ने। भाई न्यू है तने बेरा से काम में कई मेड़ के मानो से हर पंचायत बनगी नहीं। हर भाई सरपंच साहब ने सोची गांव का कल्याण करना चाहिए, काम बहुत करने की। ठीक बात, उसने गांव में बढ़ते ही साथ पंचायत करी। कहने लगा भाई गांव राम कट्ठा हो रहा है, गांव क्यों कोई दिक्कतदारी हो तब बता दियो। कोई बोला जी गाल कच्ची से ये बनवा दो, दो एक न्यू बोले जी प्याऊ करवा दो बाहर, एक न्यू बोला जी रोज बासर फूटा टूटी लगवा दो। है फिर एक बोला जी एक बात और से, बोला के वा या से अग यो ब्याह ठीचा में खर्चा बहुत हो उसे, ये दो दो तीन तीन रोटी दे सर तू बात दे से, देश भर के डाकू कट्ठे करके यो लुटना पिटना बंद करो। जो बोला भाई यह बात तो सही कही, घड़ा धन नहीं लाना चाहिए। जो दो एक बदमाश छट्टू परे छो बैठे थे अच्छा, बोला सरपंच साहब सुनियो मारी भी। बोले हाँ, बोला जो सारे गांव की तकलीफ मेटा सते एक काम और कर दो, यो बहुत दुख से। अरे बोला तू भी कह के कहो सो अक यो ब्याह कह मैं बातिया की वोट बात देखनी पड़े से, ये बात ही भी काम के हो। पंडित जी बहुत अच्छे भाई राठी, पंडित जी ने बताई ना ब्याह वाली बात, ऊ तो आदमी कितने जालो चुके नी। ठीक बात है। एक बार पंडित जी न्यू ब्याह होने लग रहा, विद्या का मौका आ गया, विद्या पे सारे बैठे, दान दहेज दे लिया, सब कुछ दे लिया। एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा हुआ रिवाज के हिसाब से, वो खड़ा होके हाथ जोड़ के बोला भाई चौधरीओ मारे गांव का कोई बटेऊ हो कोई भाणजा हो, कोई ना बोलिया। एक गजेंद्र जी सा उत्था था, उसने मारी पड़ोसिया कोनी, बोला कहना हो तो एक रुपया झाड़ लू। बोला तू इनका भाणजा ने बटेऊ, तू क्या नाम का झाड़ ले। बोला देखिए बुढ़ा ने रोची बतलाव से कम बात होगी या सुनी ना होगी। बुढ़ा ने फिर हाथ जोड़ के बोला हाँ चौधरी मैंने पूछू था कोई मारा गांव का भाणजा हो बटेऊ हो। वो उत्साह खड़ा हो गए ना, ने बोला जी बटेऊ तो कौन है, थारा गांव की एक छोरी थी ढब से ने बोला रहा इस जो कोई ने एक रुपया दे दो करा किसके बट्टा लाओगे। ठीक कही भाई। वो बरात ना जकरा इसे चल गया, अब एक भाई बरात में चला गया और था मड़ा माड़ी एक कर्मा का, क्योंकि बरात में कच्चे कटिया करे नाओ दो जलेबी खाओ है, पर यहाँ सुध बैठा जीवन वार हुई। और जब वो जाकर बैठा तो सब कागज पत्र धर गए ठीक, और उस कागज पत्र ना आई, बस बराबर पत्र ठाक अपना के धर ली ठीक।
बैठे थे लाडू वाले आए और वो कुदरती वो फिर रह गया। अच्छा लाडू ना धरके गए उसका गए गला गला जलेबी वाला उन्होंने सोची लाडू ना दरवाजा जलेबी ना खाता होगा परहेज होगा मिठाई का परहेज हो इबोर तला के लाडू जलेबी खाने और वो खाली पतल रहे बैठा इब उसका लहू जड़े उसने सोची केरा करूं जब दाऊ सारी बरात जब जीमन लाग रही थी और तक उस जीना खड़ा गुरु के मर लगे बोला नाग 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 खका टूटा खका टूटा सारी बरात का और वो छोर जला था वो शेर देने जेड़ी लेकर आया बोला की छ नाग बोला मेरी पत्तल का तला है इब दूर तक सारी बरात कोडियो का देख कर उसने जेड़ी पत्तल का तला देकर पत्तल बगा दी ऊपर ने बगावन के घड़ी बारे उसका तला के नाग थी ना क्या ने वो छोर जला बोला बोला इसका तला था कुछ भी को ना बोला जब ऊपर केस है तला के ऊपर देख लिया भाई जगवीर राठी हां जी बोलो भाई सुना तू भी घणी अणजंग लाग जा रहे नु ले भाई सुना जो मैं भी ले भाई गुलाब एक बच्चा वर्गा था एक कलाकार आदमी और अपना हारमोनियम ले चला जान लाग रहा और हमने बचपन में कहानी सुनी और लकड़ा रह गई उसकी लकड़ी जो कुल्हाड़ी उसमें कुएं में पड़ गई थी और फिर सोने की कुल्हाड़ी लिया और फिर चांदी की लिया नुए भगवान की सीखनी कुएं सारा बैठा और उसका बाजा पड़ गया उसमें कुएं पड़ गया वो तो लाग गया रोने लगा मेरा बाजा पड़ गया मैंने तो प्रोग्राम पर जाना था इतना में भीतर तो देवता प्रकट हो गया भाई कलाकार क्यों रोता है बोला जी मेरा बाजा पड़ गया मैंने प्रोग्राम पर जाना है और बहुत जरूरी कोई बात नहीं अभी ला देते हैं नीचे गया और सोने का बाजा काट लिया नोला ले भाई अपना बाजा नोला जी मेरा बाजा को ना नोला और नोला जी मेरा तो दूसरा है नोला कोई नहीं अभी ले आता हूँ फिर गया भीतर और फिर आया ऊपर चांदी का बाजा काट लिया नोला ले भाई फिर नाइट गया नोला जी यू तो मेरा बाजा को ना नोला कोई बात नहीं अब ले आते हैं भीतर गया ढुश और उसका असली का बाजा काट लिया लो जी नोला जी वो है मेरा बाजा देवता हो गया खुश नोला भाई बड़ा ईमानदार आदमी है और ले तीनों बाजे ले जा क्या ना प्रोग्राम करना था सोना बाजा थे गया चांदी थे गया भाज के घर आ गया घर वाले ने बोला भगवान के दर्शन हो गया भगवान आज तो और बोली मैं मान नहीं सकती बोले चाल तरह दिखाऊं अपने घर वाले ने उसको कुआं पी ले गया और राम की सीकरणी हुई वह घर वाली भी उसमें पड़गी और वो फिर वेट करो लगा मेरा मेरे घर वाली पड़गी रे मेरी घर वाली पड़गी देवता फिर प्रकट हो गया शाम वो कलाकार क्यों रोता है बोला जी मेरी घर वाली पड़गी बोला कोई बात नहीं अभी निकाल लाते हैं वो जी भीतर गया और श्रीदेवी ने काट लिया बोला ये है तेरी पत्नी बोला जी आए है बोला रहा बेवकूफ आदमी मन बोला तेरी ईमानदारी में खुश हो गए तेरे को तीनों बाजे दिए श्रीदेवी को देखते तेरी नींद डोलगी बोला जी बात नींद की नहीं है ये आप गए श्रीदेवी ने काट के लाए हो फिर जाओ आप माधुरी दीक्षित ने काट के लाओ और तीसरी में मेरी घरवाली ने काट के लाओ है और जब मैं नुकू या मेरी है खुश होकर कहो तीनों ले जाओ मेरे पे एक उठ दी तीनों आगे करो भाई वो रोड़ा तो आके छिड़ गया लोग आले मामले में फंसगी बात है भाई जगबीर ठी बात न्यूज है अग भाई एक किसे की छोरी बहुत घनी पटकी। अच्छा हाँ आजकल पढ़ाउन करे आज तो मेरा सही छोरा दो जमात घाट रहा पर छोरी ने जरूर अब्बलता ही पढ़ाऊंगा और वह इसी तगड़ी अफसर लागी अग पूछा मत वो कौन सा हो सा बड्डा सा बियासी कर गई है बियासी कर बियासी बावले भाई इतनी बड्डी अफसर लागी लागी गांव के सारे वाले शहर में अच्छा भाई उड़ा लाइन बाजगी हो कदे गांव के जा ए बेला फूलो जीजी मारी तो धरती नहीं कोड़ो को गिरी हो काम करना का अच्छा भाई करूंगी कदे रिश्तेदार जा कदे उसके भतीजा बुआ इब कबला यो मैं जरूर भर्ती करवाना जो मतलब के सा गांव ने रखा वाण ने नाक में दम दे दिया दस बैठे रह दस हाँ छोरी ने सोची अच्छी अफसर लागी भाई एक दिन चोपड़ा सी बुलाया कहने लगी बात सुन ले भाई आका अगड़ा बैठ जा स्टूल गाल के बोला जी के करूं मैडम बोला कोई भीतर नहीं आना चाहिए और जाए कोई भीतर आ गया तेरा बक्कल फोड़ दूंगी चौपड़ासी तो कड़ा हो गया भाई जाए तू किने भीतर जा लेने देगा तू गया काम नौकरी साफ और कुदरती उस दिन तो उसके घर वाले राणा पड़ गया ओ बोला भाई अंदर जाना मैडम के पास बोला कति नहीं जान दू भाई रे बाहर हो जा ने बोला यार मेरा बहुत जरूरी काम से ने बोला राण दे होगा मन मरना से ने बोला मैं उसका हस्बैंड बोला सारे यहाँ एक है सारे बोला भाई मरा कई भाई या अंग्रेजी है ना क्या कसूती है गलती लागी नुआ एक पटे उचल गया ससुराल अच्छा पढ़ना लिखना बना आवे नहीं था
जब तक उन्हें ना नमस्ते करी अपनी सासू तेना कुछ तो उसकी सासुर साले ने उसका कर लिया मजाक। बोले मारा बटे तो बोली पूछ हमको ना गलते छोरी ने ये तो ब्लैपर ना लिखना जानता नहीं लबटे को तो उठा छो उल्टान दे अंग्रेजी का मास्टर टोया और अंग्रेजी सीख गिरी हफ्ते मेरा फिट दी टूटी फूटी जिसी आई और पहुंच गया ससुराल लेगा केड़ा जोड़ा जानते अपनी सासू ने बोलिया मम्मी जी नमस्ते तो एकदम सिर चकरा गया। हाँ बोले हो कदम बटे बोले आप डिका रहा है और बोले अंग्रेजी अंग्रेजी सीखा रहा है वो बटे मरूच बरोड़ गए बोला इबे के है बोला इबे किसी ने तो मैडम है और किसी ने मिस्टर कहूंगा और था हमने बेरा तो जब पटगा थारी छोरी ने सिस्टर कहूंगा तोड़ो अब रटी एक बात है मेरा बसे फिर मैं भूल जाऊंगा तेरी सब बात पे एक मेरे के से बूढ़े ने अंग्रेजी सीखने का चाह पड़ गया और वो तेरे पर के दौड़गा नहीं बोला भाई राठी तू मने एक चार डाकड़े अंग्रेजी के सिखा दिए उन्हें सिखा दिए और भाई खाने की बात कर दी मेरा तड़के का भाई ब्रेकफास्ट और दो फारे का लंचर सांझ का डिनर है तो भाई वो हो गए सीखाया तड़के शेर का बच्चा लाग रहा दलिया पीवण अरे जो सिखाने तो अबला तू क्या कर रहा है अच्छा बोला डिनर करूं छू अच्छा नो बोला डिनर तो सांझ आले ने कहने बोला तेरा फूफा सांझ जाएगा जी काशी बस रहा ना ओ भाई जगबीर और पंडित जी तुम यो है ना अपने का नेप लड़ा रख रहे हो भाई न्यू काम नहीं चल लगा एक बार चैल साहब की सुनो कहीं अरे सुनाएंगे भाई बात रोटियां की चाल दी थी पंडित जी हां यो चक्कर था एक बाप जी सा बूढ़ा समझाने में लिया अच्छा लेर 10-15 दिन में जाके जयराम जी ठोकर पूरा मंडे अपने गेटी तर कर लिया सही अगले भी तंग आ लिए उड़े थे सारा रोड़ा हो गया भाई यो अच्छा समझी ला 15 दिन आने खड़ा हुआ क्या करा वो हमारी लालचन लुगाई उसकी समझने अच्छा उसने सोच साच के बोला लेब का होगी ना जब सोचूंगी वो तो हाड़ उड़ बा के सारा दिन छोड़ के बड़ दाने खेत में बालक ने पकड़ा के ना अपने चल दिया न्यू का न्यू बिना लाए दो 10-1 कोस पे उसकी समझाना था उड़े जा पहुंचा जा राम रमी करी उसने सोची ले आज करिए इसका इलाज बुढ़िया ने हाँ बोले समझी जी ना गा बोला ले देख लेंगे हूँ धोती दाती तो दूसरी लिया ना रहा बोला कोई बात नहीं ले मैं ले आऊं धोती और ना बोला क्या करेगा दूसरी धोती का पूरा खाट अड़ा दू इस पॉलिसी मैंने नहाले तूरे कोई आमदा जानता सही ने ठीक से उसने सोची ले नहाले बढ़िया पूरा मंडे मिलेंगे काट के कुर्ते और अपने नान ला गया उस पौड़ी में उस समझण ने मजाक सूझा उसने वहां धोती ठाली उछाड़ी अंधेरा सा रहा था वो थोड़ी सी देर में अपने बैठे रहा बोल बाला किच्चा धोती तो ठा लेगी वह बोली समझी नालिया के बुलाओ नालिया नालिया डटिए उड़े रही है बोला थोड़ी देर में फिर बोला नालिया के बोला डट जा उड़े रही है 2-3 बार होली ने जब वो बोली डट जा ले मैं दीवा ले आऊं बोला ना दीवा ना लेइए बोला ना ना डट मैं दीवा ले आऊं और उसने सोची ले दीवा ले आओगी तेरी बेइज्जती होगी खड़ी डाक मार गया न्यू का न्यू काम करता 10 कोस का मामला था जी रात नारायण के घर के कुआर खुड़काए बोला खोलिए खोलिए गड़ाड़ी उठी उठ दे बोली कौन सा है बोला मैं शू खोल बोला डट जा मैं दीवा ले आऊं बोला आज कौन दीवेगा हमारा तो 10 कोस आ लिया ठीक है भाई दीवे का क्या लिया एक बात से भाई बहुत गणिवार हो लिया ससुराल पे पर्दा टेके गणा हाँ एक चीज का जिक्र निकल रहा है हरियाणा वाला की बहुत गणिया देते सांप की बात होगी तो सपेले ही बात सांस लग कर देंगे तो भाई थोड़ा हा बदलो के मैं तू बदल भाई तू कह रहा था बदल दिया हाँ बोल स्कूल में मास्टर क्लास ले था और मास्टर था पशुपालन का अच्छा और पशुपालन पढ़ाते चेहरा मोरा नाक नक सारा उनके हो जा रही तो और के मैं उसका वो दे ही तभी के मैं ठीक ठाक हाँ तो बैठते ने बोला बच्चो तुमने गेंडा देखा है ये बड़क क्या ना चुस्के ने बेचारे गांव के बड़क ने किसी चिड़िया घर देखे दे उन अपनी झोपड़ी बतेरी कोई ना चुस्किया चुस्किया है कोई ना कोई तो फिर थोड़ी बार में फिर बोले बेटे गेंडा देखा है क्या फिर कोई ना चुस्किया दुख पानता खुद बताने लग गया भैया देखो सुनो गेंडा मोटा होता है गेंडे की मोटी खाल होती है चेहरा भी मोटा मोटा होता है एक नाक होती है भारिया भारिया कान होते हैं माथे पे बाल होते हैं इतनी बार मैंने बोला अरे राजू तुम्हें पता है गेंडा कैसा होता है बोला नहीं मास्टर जी तो बेटे बाहर क्यों देख रहे हो मेरी तरफ देखो ना बात न्यू है गुलाब देखे चोर तो पक्का चोर हो ऐसा है पर नाश जब हो जाए जब उसकी घराली भी पक्की चोरटी हो जाए और दोनों वीर मर्द पक्की चोरी में इतना इतना धन जोड़ गया कि उनका घर भर गया
फिर एक दिन वह लगी उसकी वीर कहने एक बात न्यूस है, देखा पी न चोरी करण में किता कसर नहीं छोड़ी, बोला ना कती नहीं छोड़ी, और बोला देले मन सारा घर भर लिया, बोला भर लिया पर ये बापी यो धंधा छोड़ देंगे, बोला क्यों इव क्यों छोड़ देगी, कती कौन छोड़ा, अक ना मैं कूसू छोड़ देंगे, बोला कारण बता, अक बात न्यूस है ये बाग बालक हुएगा और आप ही धंधा छोड़ देंगे, बालक पर असर जागा, गांव के कहेगा चोर का बालक, और आप ही की तोर चाल की नर बालक न पालाएंगे अपने न, अक चल भगवान तू का मैं तेरी मानूंगा, होगी जी समय अनुसार उसका फिर वो छोरा भी हो गया, छोरा होकर दोनों खुश धन खाए और खूब लुटा दिया, खूब लुटा दिया। एक दिन कहने लगी बोला सुनो सो, अक हाँ पता के बात, बोला यो छोरा चार पांच साल का हो लिया रिया, इसकी मन तो मुट्ठी खोल कर नहीं देखी साजता है नवानते आना, बोले आज तो न्यू कर इसकी मुट्ठी खोल लाएंगे, किस्मत मुट्ठी में हो, हाँ किस्मत मुट्ठी में पक्की है, बोला भगवान तू कैसे तो खोले, खोली मुट्ठी हाथ में तो गुट्ठी पाई, बोला बेटा तू घर तो बाहर लकड़िया नहीं या गुट्ठी कितना आई, अक माँ पैदा हूँ था जब दाई की काटी थी मन, चोर था ठीक भाई गुलाब। एक बार दो भाई थे, एक तो बढ़िया मौज मस्ती में रहे खूब धन दौलत, और दूसरा बेचारा भट्टी कंगाल उसके कुछ नहीं, वो तो बढ़िया ब्योत में था, तैड़ के काचे धोती कुर्ते साफा अपने पैर है और पतरा सा ठावे काख में देर अपने ज्योतिष का काम करो, बढ़िया काम चल रहा है उसका। वो दूसरे ने कहने लगे बोला यो तेरा बड़ा भाई है यो तो ठाठ में और तू भूखा मरे तू भी सीख ले दो चार बात, तो भी कर सके। उसके बाद ध्यान में आई वही न्यू कई दिन गुजारा होगा, बोला भाई साहब वो पहले धोती कुर्ते साफा पुराना पत्रा दे दो मने, बोला के करेगा, बोला मैं भी ज्योतिष का काम सीखूंगा। कहने लगा भाई ले तो ले पर थोड़ा सा और शिक्षा भी हो सके, बोला ढंग ब्योत देख के न जब किस्मत का हिसाब किताब बता रहे भाई परान देख ले शरीर देख ले रंग रूप देख ले उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा उन्हें सिखा दिया, हिला दिए। अगले दिन जी बस वो अपने पुराने धोती कुर्ते पैर के पत्रा दाब के काख में हार चलिया, एक घनी बेसुरी सी लुगाई गोबर पाथन लाग रही, उसने देखा हाँ ज्योतिषी महाराजाओं से बाज के बोली दादा पाए लागू, बोला जिंदी रह जिंदी रह, उसने देखा दूर शक्ल सूरत की बेसुरी सी हाथा में चूड़ी ना पहन रही, उसने अंदाजा लाल ये हाथा ही चूड़िया, बोले दादा हाथ देखिए, बोला लिया देख के कहने लगे ओहो बहुत अच्छा था, खैर कोई बात नहीं स्वर्ग में गया से, बोला कौन है, बोला तेरे घराड़ा, बोला उतरा लागदार घर बैठा, बोला त्री सुसरी दो रानिया की चूड़ी ना पैर दी ये लुगाई लुगाई जात तार दी अंडी, हाँ अंदाजा था भी तो गलत हो गया, गलत हो गया भाई, किसी का ज्योतिष का काम हो गया, किसी का दुकानदारी का, किसी का जमींदारी का, अलग अलग सबके काम से। ठीक बात, ये अपने हरियाणा में दुकानदारी का काम से बढ़िया का, कोई जात पात की बात नहीं भाई, जाट जमींदार आ करें, कोई अपने भाई जुत्ती सीमे सारे अलग अलग काम से, कोई बाल समारे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, सब तो श्रेणी जात बताई बढ़िया, क्यों तड़के सांस ग्रह कहा काम। ठीक बात, तो एक बढ़िया जाधारा मगे आगे देखो दारू पिए उड़ा गया, देखती है बढ़िया ने उड़ा, बढ़िया मारो सुश्री गए, अच्छा प्रियन बोला करड़ा धमका दिया बनिया, बनिया शाना हुए से, बोले है भाई ली हट गया प्रियन, उस तपात से एक पहलवान आओ था, क्या बोला पहलवान जी नमस्ते, अच्छा। और काका ते हाथ दाब दू पांच दाब दू, काका फूफा बनियन देख दे, बोले मेरा ससुरा दो डालकी पी है भाई देखे थोड़ा हा टाइम लिया एक और सुनाऊंगा, सुना भाई सुना, मेरा एक डब्बी था इब सिर फूटे फाटे आवे दूर ते देख लिया माँ भाई, तो गलत इशा बोले दौरान दे मैं नर्रा दे के बात हुई, न्यू बोला भाई गजेंद्र पूछ जाए ना एक बनिए गेल रोड़ा हो गया, मैं बोले हैं बनिए गेल रोड़ा हो गया तो तेरा सिर फूट रहा, यो तो भाई के हम जमीन ही बात, न्यू बोला भाई के करूं गणेश हानी जात पाई माँ के बात है, न्यू बोला मेरा हो गया रोड़ा उस गिल्या, अरे बैठ दे मैं बोला मैं तेरे शर्म लाठी मारूंगा, वो न्यू बोला मैं तेरा चादरा मारूंगा, न्यू बोला मैंने न्यू सोचा अक्षर मलाठी तो पास मारे चादर नहीं ना देख लिया, मैं बोला भाई तू चादरा ही मार, ने बोला भाई ले मारू हूँ तो, मैं शरकर का खड़ा हुआ ले भाई मार, ने बोला चादरे में 3 किलो के बाट थे 3 किलो बाट पड़े कई बार धोखा न्यू बन गया है, यो आजकल लोन का पास गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है, लोन ले लो लोन ले लो, क्या ले लो क्या ले लो, वो एक बूढ़ा भी गलत फंस गया, बूढ़े तीन
बोला तो लोन ले ले। बोला भाई मन रान दे, मतलब ठीक ठाक से गुजारा ठीक लग जाएगा। अच्छा। बोला ना मुर्गी फार्म का लोन ले जा। अच्छा। मुर्गी फार्म का लोन दे दिया बुढ़े तई। अच्छा। और बुढ़ा अपना आ गया महीने के पास है, वो एक अफसर आया शहर में थे और वो आने के बोले बोला ताऊ लोन लिया था। बोला हाँ भाई लिया था। अच्छा। यह बात ठीक है। बोला वो कित लाया पीछा? बोला भाई खेत में चाल बड़ा बड़ा दिया, चूचे ले आया मैं भी, बढ़िया चल रहा मेरा। खेत में जाके देखा बढ़िया बड़ा बना रखा, छोटे छोटे चूचे आने लग रहे। बोला देखो भाई, वो अफसर कहने लगा बोला ताऊ खाने में क्या देते हो इनको? बोला भाई खाने ने के तू हूँ गरीब आदमी हूँ, जो कुछ तुमने लोन के पीछे दिए थे कि मतलब बैंक काले ने रख लिए थे, कि मैं थोड़े बहुत ले आया था उनका जो काम शुरू कर दिया, खान पीन ने के अपना घास फूस खाओ सर अपने चल रहे हैं। वो अफसर कहने लगा बोला इसका मतलब तूने घास फूस खिला के बीमार करके मारेगा, तेरा तो लोन वापस करवाना पड़ेगा। बुढ़े ने सोची भाई चाला हो गया, काट के 200 रुपया चुपचाप पकड़ा दिए। बोला जी आके खाना सुधार लूंगा। ठीक सही।